ओके हेलो एवरी वन आई एम सी एस सोमा कटारिया एंड आई एम योर टू टेल यू हाउ कैन यू स्कोर सिक्सटी फाइव प्लस मार्क्स इन ड्राफ्टिंग ओके उसके लिए इन टोटल एट टिप्स हैं ये आठ टिप्स अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आई एम गिविंग यू अ गारंटी कि आप लोगों का ये ड्राफ्टिंग जो है वो एटलीस्ट इफ़ नॉट सिक्सटी फाइव प्लस तो एटलीस्ट सिक्सटी प्लस तो एग्जामेशन तो आ ही सकता है ओके सो स्टार्ट लेट स्टार्ट विथ टिप नंबर वन सबसे पहला टिप है बाइफकेशन सबसे पहले, पहले गाइज आपको बाइफकेशन करना ज़रूरी है कि कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है ओके okay. आपको आ, हम लोग मुझे हमेशा से मेरी टीचर ने यही बताया था कि सौम्या कभी भी स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए हार्ड स्टडी नहीं करनी चाहिए ओके okay. सो so ये जो स्मार्ट स्टडी है यही बेसिकली स्मार्ट स्टडी का ही पार्ट है क्या बाइफकेशन तो बाइफकेशन में आपको करना क्या है जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिसका मैं नाम अभी बताने वाली हूँ वो चैप्टर्स को आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है कुछ चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनका रिविजन आपको कम करना है ओके दैट इज़ अ स्मार्ट स्टडी एम टॉकिंग अबाउट मैं कुछ छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ क्या बोल रही हूँ कुछ जो चीज़ें अच्छे से पढ़नी है कुछ चीज़ें कम रिवाइज करनी है क्लियर है सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर टू ठीक है न्यू सिलेबस के लिए चैप्टर नंबर टू ओल्ड सिलेबस वालों के लिए चैप्टर नंबर वन ठीक है उसके बाद है चैप्टर नंबर फोर फाइव सिक्स ठीक है फोर फाइव सिक्स उसके बाद आता है चैप्टर प्लीडिंग्स प्लीडिंग्स के बाद आता है चैप्टर नंबर थर्ड थर्ड दैट इज वॉट दैट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स ओके ये जो सारे चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट है अब मैं तुम लोगों को टॉपिक्स के नाम बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग एक पेन पेपर लो और टॉपिक्स लिख लो ओके okay. सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इसमें डूज एंड डोंट्स ऑफ ड्राफ्टिंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग दैट इज़ चैप्टर नंबर टू गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके साथ मजाक मत करना ये पहली बात तो ईजी भी है और साथ में इम्पॉर्टेंट भी है सेकेंडली आपका सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड आप लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़कर आते हो ये जो चैप्टर है इसमें आपको नोटिस रेजोल्यूशन बनाने के लिए आ सकता है एडिशनली इस पर केस लॉज भी पूछे जा सकते हैं ओके okay. उसके बाद आते हैं ड्राफ्ट ठीक है तो आपको ड्राफ्ट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आगे आने वाले टिप में बताऊंगी ओके okay. उसके बाद आता है प्लीडिंग्स प्लीडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये एक अकेला सिंगल चैप्टर है जो पूरा प्लीडिंग वाला पोर्शन कवर करता है ओके okay. तो एफिडेविट कैसे बनता है प्लेन और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होता है ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर एक है अपेयरेंसेज अपेयरेंसेज में आप पहली बात तो अपेयरस बहुत सिंपल चैप्टर है इसमें आपको कपड़े कैसे पहनना है आपको बात कैसे करनी है आपको हैंडशेक कैसे करना है आपको फ़ोन पर बात कैसे करनी है ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दी हुई है और ये सारे एटिकेट्स आपको सीखने हैं और क्वेश्चन भी हमेशा आता है तो फ़ायदा ही है राइट तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है किस चीज़ में बाईफोकेशन में सेकेंडली सेकेंड second, जो टिप नंबर टू है वो है की गाइज इस तरह से मैंने भी पढ़ाई की थी तो मेरा सजेशन है आप लोग भी ऐसी पढ़ाई करो आप लोगों को जब भी आप पढ़ाई करो जब भी आप थ्योरी पढ़ो या केस लॉस पढ़ो आपको हमेशा उसके की वर्ड्स अंडरलाइन करने आने चाहिए क्योंकि जब आप बार बार रिवीजन करते हो तो आप पूरा पूरा तो नहीं पढ़ सकते हो ना इसीलिए आपको एक एक कीवर्ड अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्राफ्ट लिख रही हूँ या फॉर एग्जाम्पल मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ तो थ्योरी में कौन से पॉइंट का क्या की है बस मुझे वो अंडरलाइन या इंसर्कल करना है ताकि जब मैं रिविजन करूँ तो मैं बस वो कीवर्ड पढ़ लूँ और मुझे वो सारी चीजें याद आ जाए अब ऐसा भी हो सकता है कि मैम ऐसा कीवर्ड है ही नहीं जो जिससे मुझे रिवीजन के टाइम पे याद आए तो आप खुद का कीवर्ड बनाओ अपने टर्म्स में वो कीवर्ड लिखो जिससे कि जब आप बाद में पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा नाउ नेक्स्ट इज टिप नंबर थ्री दैट इज प्रैक्टिस ड्राफ्ट अब ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे सबसे ज़्यादा Uh, पूछते हो तुम लोग और दिमाग ख़राब कर देते हो दैट इज मैम कैसे ड्राफ्ट uh, uh, ड्राफ्ट कैसे प्रैक्टिस करे कितनी बार पढ़े ओके okay. तो मैं बहुत सिंपल है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ड्राफ्टिंग इज़ वेरी ईजी ठीक है मैं ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही करी ड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट्स की बात कर रही हूँ इट्स वेरी ईजी आपको सिर्फ क्या करना है एक बार सारे ड्राफ्ट प्रैक्टिस करने एक बार अपने वर्ड्स में उसमें आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे ठीक है आप जिससे भी पढ़ रहे हो आप जिसके भी नोट से पढ़ रहे हो या फिर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो आप उनके नोट्स पढ़ो उनके मॉड्यूल पढ़ो पूरे ड्राफ्ट पढ़ो उसके बाद अब अपने वर्ड्स में उसको लिखो और कंपेयर करो मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर दैट ओके फिर एक और बार सारे ड्राफ्ट्स आपको प्रैक्टिस करनी है तो टेक्निकली आपको सिर्फ दो ड्राफ्ट्स प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हर ड्राफ्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको साइड में लिख कर चलने हैं फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आता है कंसिड्रेशन पजेशन डेट ऑफ़ डिलीवरी डेट ऑफ पेमेंट है ना उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन का जो सबसे लास्ट में क्लॉज आता है पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना है मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए आपके Uh, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कवर होता है तो आपको साइड में एक एक कीवर्ड लिखना है एक कीवर्ड हो गया डेट ऑफ पेमेंट एक हो गया मोड ऑफ़ पेमेंट एक हो गया कंसड्रेशन एक हो गया uh, आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज एक हो गया डेट ऑफ डिलीवरी तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपको साइड साइड में लिखते जाने हैं ओके okay, तो इधर आपका ड्राफ्ट बनता जा रहा है इधर आप की लिखते जा रहे हो एग्ज़ाम आएगी तो आप सिर्फ और सिर्फ की पढ़ोगे क्लियर है बोलो अच्छे से ठीक है उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टिप है दैट इज टिप नंबर फोर दैट इज़ फोकस ओके फोकस आपका गाइज एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को हमेशा से बताना चाहती थी बट कभी मौका नहीं मिला दिस इज नॉट अ प्रूवन फैक्ट दिस इज माई एनालिसिस बट देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन और देर आर फ्यू क्वेश्चन दैट मे गेट रिपीटेड इन एवरी अटैम्प्ट ओके एंड वाई डू आई सी एस आई रिपीट दैम इज आई सी एस आई आउट ऑफ क्वेश्चन के आई सी एस आई के पास क्वेश्चन खत्म हो गए तो बिल्कुल ऐसा नहीं है बट आई सी एस आई क्वेश्चन रिपीट करिए ताकि क्योंकि वो चाहती है कि आप ये बार बार पढ़ो क्योंकि वो चाहती है कि आप ये इसे इंपॉर्टेंट मानो क्योंकि उन्हें पता है कि वो आगे जाकर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे सो स्कैनर ओपन करो और स्कैनर में जो क्वेश्चन रेपिडली पूछे जा रहे हैं उस पर फोकस करो क्योंकि अगर वो पिछले अटैम्प में आए हैं तो इस अटैम्प में भी आने के चांसेस हैं ये स्टडी करो कौन से क्वेश्चंस बार-बार पूछे जा रहे हैं ओके okay. उन पर आपको फोकस करना जरूरी है उसके बाद आते हैं टिप नंबर सिक्स हाउ टू राइट आंसर्स देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आई एम श्योर बड़े डीटो तो तुम लोगों ने अभी तक पुराने पेपर तो खोल के नहीं देखे हैं बट देखे हैं, तो बहुत अच्छी बात है तो क्वेश्चंस आते कैसे मैम सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं केस लॉ के फॉर्म में ओके केस लॉ कैसा पावर ऑफ अटॉर्नी का केस लॉ हो गया ठीक है कि अटॉर्नी uh, इस फॉर्म में दी थी रजिस्टर्ड नहीं थी रजिस्ट्री नहीं करवाई या अटॉर्नी बना दिया पर उसको ऑथराइज नहीं किया तो इस तरह के आपको केस लॉ के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं फिर आपको आता है ड्राफ्ट के फॉर्म में ओके okay. सीधे सीधे आ जाता है कि प्रिपेयर दिस दिस ड्राफ्ट ओके वो ड्राफ्ट जो है वो सिर्फ डीज नहीं आती है वो ड्राफ्ट आपको क्या आ सकता है नोटिस रेजोल्यूशन मिनट्स भी आ सकते हैं उसके बाद आप आता है आपको थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन जो होता है वो बिल्कुल सीधे होता है बिल्कुल सीधा बिल्कुल सिंपल ओके व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट सिंपल क्वेश्चन है या फिर आ गया राइट द कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ विल राइट तो ऐसे सीधे सिंपल थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है उसके बाद आ सकते हैं कॉमन क्वेश्चन कि एक स्टेटमेंट दे, दे देंगे वो करेक्ट या इनकरेक्ट दोनों हो सकता है और उस पर उन्होंने कॉमन क्वेश्चन डाल दिया वो आ सकता है या फिर एक क्वेश्चन आता है कौन सा एक क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन इन सब में से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है डिफरेंस बिटवीन बस आपको क्या ध्यान रखना है आपको बेसिस ऑफ डिफरेंसेस लिखना ज़रूरी है और उसके बेसिस पे आपको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है लीज एंड लाइसेंस में डिफरेंस आया आपने बेसिस लिखे लीज लिखा लाइसेंस लिखा बस आपको कुछ नहीं करना है एंड डिफरेंस बिटवीन मार्क माई वर्ड्स डिफरेंस बिटवीन बहुत, बहुत सारे मिस्टेक्स है और फिर उन्होंने बोला है कि इसमें क्या क्या गलतियां है वो आप बताओकेस okay? दे दिया है और फिर उन्होंने पूछा है कि इससे रिलेटेड पांच से छह ड्राफ्ट बनाओ तो वो सारी चीजें आ सकती है मिलाकर तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे और सब में आपको मार्क्स के हिसाब से वेटेज के हिसाब से आंसर लिखना है अगर नॉर्मल क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है तो फाइव मार्क्स का अगर वो क्वेश्चन है तो आपको फिफ्टी परसेंट ऑफ द पेज तो भरना ही है ओके okay, अगर वो कॉमन क्वेश्चन है तो फिफ्टी परसेंट ऑफ द पेज तो आपको भरना ही है हर आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है उसके बाद उसका मैटर आता है और उसके बाद उसी से रिलेटेड एक कंक्लूजन आता है फॉर एग्जाम्पल आपको एक कॉमन क्वेश्चन आ गया दैट विल इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज वंस प्रिपेयर दैट इफ वंस प्रिपेयर कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द टेस्टेटर कॉमेंट अब हमें पता है कि विल तो भाई डेथ के पहले पच्चीस बार हजारों बार मिलियन टाइम्स चेंज हो सकती है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्ट्री में रखेंगे वॉट इज़ विल ठीक है फिर हम बताएंगे कि विल चेंज हो सकती है नहीं हो सकती हमारे मैटर में पैराग्राफ चेंज करके और फिर हम कंक्लूड करेंगे दस इट इज योर बाय कंक्लूडेड दैट विल कैन बी चेंज्ड बाय द टेस्टेटर एनी टाइम बिफोर हिज डेथ क्लियर है सबको अच्छे से पक्का चलो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टिप पर दैट इज स्टेप नंबर सिक्स लीगल लैंग्वेज ओके आपको गाइज कुछ थोड़े बहुत लीगल लैंग्वेज पे लीगल लैंग्वेज के वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा लेट्स से देर आर सर्टन वर्ड्स जैसे शैल ओके okay, आप विल की जगह शैल यूज़ करो ठीक है दो सिचुएशन को लिखने की जगह आप अदरवाइज यूज़ करो राइट right? फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसिडेशन एज अ बायर सेलर को दिया ठीक है तो हम क्या लिखेंगे

पढ़ना है ओके वन डे बिफोर एग्जाम आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है थ्योरी मैम पूरी तो नहीं हो पाएगी इसीलिए तो कीवर्ड्स लिखने को बोला मैंने कीवर्ड्स मार्क करने को बोला सारे ड्राफ्ट रिवाइज करने मैम सारे ड्राफ्ट रिवाइज नहीं हो पाएंगे इसीलिए तो मैंने बोला कि हर पॉइंट के साथ आपको की साइड बाई साइड लिखते जाने हैं साथ में आपको क्वेश्चन करना जरूरी है अगर आपको आपके फैकल्टी ने क्वेश्चन दिए हैं देन प्रैक्टिस दैम अगर नहीं है तो स्कैनर तो है ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मेक क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ओके डन है एट टिप द लास्ट टिप ऑफ द ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू स्टे मोटिवेटेड गाइज बहुत सिंपल है ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ दैट दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी ओके फॉर जून स्पेशली फॉर जून ट्वेंटी स्टूडेंट्स दिस इज़ फॉर दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी नो बडी एवर इन दिस्ट्री ऑफ सी एस हैज़ गॉड दिस मच टाइम उनको एक महीना एक्स्ट्रा नहीं मिला है अभी से डिसम्बर अटैम पिछला जो डिसम्बर था वो लास्ट मिनट एग्जाम्स पोस्टपोन हुई थी इस बार आपको बहुत पहले पता चल चुका है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गई है सो मेक श्योर यू मेक गुड यूज ऑफ इट ये आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने खुद से ली है ओके okay? तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना आपका काम है मैम अगर फेल हो गए तो क्या फेल हो गए तो वो बाद में सोचेंगे पेपर खराब गया तो बाद में सोचेंगे पर पेपर के पहले मैं अच्छे से ये सोच कर जाऊंगी कि मुझे अच्छे से सबको चाहता है मैंने पूरी पढ़ाई की है मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है एंड आई एम गोइंग टू किक और नील दिस एग्जामिनेशन दिस शुड बी योर मोटिवेशन दिस शुड बी योर एनर्जी अच्छी एनर्जी से पेपर देने जाना ड्राफ्टिंग इज इज़ दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो आपका पूरा ग्रुप निकाल सकता है ओके सो गाइज दीज वर द एट टिप्स दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल ये जो एट टिप्स है ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ बोलने बोलने की बात है मैंने ऑनेस्टली मैंने यही अडॉप्ट किया और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं लाइव या पेनड्राइव वाले उन लोगों को सबको मैं यही टिप्स देती हूँ राइट सो ये ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है अदर दैन डैट ऑल द बेस्ट आई होप यूल डू वेल ओके एंड लेट मी नो ऑफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू और आपको इस इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कॉमेंट क्वेश्चन में मुझे भूल Okay, thank you.